हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं काफ़ी निडी टॉपिक है साइट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर ग्राउंडिंग की। प्रेशर ग्राउंडिंग क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं और कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इस पर हमारी पहले एक वीडियो आ चुकी है, लेकिन उसमें थोड़ा मैं ब्रीफली नहीं बताया। तो आज मैं पूरा टोटल प्रोसेस आपको अच्छे से बताऊँगा, स्टार्ट से आखिर तक मैं बताऊँगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या प्रोसेस रहता है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। पहले मैं बता दूँ कि मैं प्रेशर ग्राउंडिंग करते क्यों है, मतलब जो हमारा वाटर टैंक रहते हैं RCC, उसमें लीकेज जो होती है, उसमें जो सीपेज होती है, उसको रोकने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। ग्राउंडिंग का प्रोसेस रहता है तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को दबा लो और कमेंट करना ना भूलें। मतलब जो चीज़ें आपको नहीं पता चल रही हैं या क्लियर नहीं हो रही हैं तो वो मेरे को पूछो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा, आपको अच्छे से क्लियर करूँगा चीज़ें। तो वही आज हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है प्रेशर ग्राउंडिंग। तो सामने निप्पल लगे हुए हैं, मतलब सॉकेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं टैंक में। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, इनका फ़न क्या है, मतलब क्यों प्रोवाइड करने का, तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, विजिट करवा देता हूँ कि कैसे कैसे हमने प्रोवाइड किए हैं, उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा, तो बोर मत होना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रहता क्या है, होल, मतलब जहाँ आपके लीकेज हो रही है या सीपेज हो रही है वहाँ आपको होल कर देना है। और होल करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ सीपेज हो रही है वहाँ से अपवर्ड, मतलब ऊपर से 45 डिग्री पे आपको होल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और होल कितना आपको करना है ये डिपेंड करता है आपकी वॉल की थिकनेस पे। मिनिमम मतलब लीकेज को 30-70 mm आपको होल करना पड़ सकता है, लेकिन हमने यहाँ सामने आप देख रहे हो हमने प्रोवाइड किया यहाँ 40 mm मैंने होल प्रोवाइड किया, क्योंकि हम जो सॉकेट यूज़ कर रहे हैं, जो निप्पल यूज़ कर रहे हैं, वो 75 mm का निप्पल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ हमारी सीपेज है थोड़ी, तो यहाँ हम होल प्रोवाइड कर रहे हैं, होल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मतलब आपका होल हो जाए, जहाँ जहाँ सीपेज आ रही है वहाँ वहाँ पहले मार्क करके होल कर रहे हैं। एक बार आपका होल हो जाए उसके बाद क्या रहता है, जो आपका निप्पल रहता है, मतलब सॉकेट रहता है, यहाँ हम 75 mm का सॉकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये सॉकेट प्रोवाइड क्यों करते हैं, इसमें हम ग्राउंडिंग की जो अपनी पाइप रहेगी प्रेशर इसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे। मतलब इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है आपने, मतलब एक जहां आपका क्रैक है, मतलब यहां से लीकेज हो रही है वहां रख के उसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद करना क्या है, जब एक बार आपका निप्पल सॉकेट फिक्स हो गया वहां पे, उसके बाद आपको सीमेंट पेस्ट उसमें, मतलब सैंड सीमेंट पेस्ट उस पर लगा देनी है चारों तरफ, कि आपका निप्पल हिले नहीं और मतलब एक उसको एंकरेज मिल जाए। और इसमें क्या करना है, जब आप सीमेंट पेस्ट लगाओगे तो उसमें आपको वाटरप्रूफिंग एजेंट, मतलब कुछ डाल देना है, या तो कोई एडमिक्सचर डाल दो जिससे मतलब वो टाइट, मतलब हार्डन हो जाए, मतलब वहाँ से बाद में लीकेज ना हो। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये पाइप आप देख रहे हो निप्पल, इसमें एक फिक्स कर देंगे तो उसमें हम पाइप का एंकर करके इसमें प्रेशर दे सकते हैं। मैं आगे बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले दुई हमारे हो गए होल करके, आपको निप्पल उसमें बिठा देना है, ठीक है। एक बार आपका मतलब निप्पल उसमें बैठ गया, उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें मतलब जो आपकी पाइप रहेगी जिससे आपने प्रेशर देना है, उसमें प्रेशर उसको पाइप फिक्स कर देनी है और प्रेशर इसको देना है। और प्रेशर हम हमारी मतलब जो ग्राउंडिंग पंप जो प्रेशर प्रोड्यूस करता है कितने लेता है, 5000 PSI आपको प्रेशर वो प्रोवाइड कर देते हैं। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मतलब कितने प्रेशर से हम उसको करेंगे तो हमारा अच्छा ग्राउंड होगा। और जो हम इसमें केमिकल यूज़ करेंगे वो मतलब अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए, मतलब जैसे हमारे इसमें Fosrox-Ibex 100 यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हमारी लिक्विड फॉर्म में जो हमारी पेस्ट है। कई जगह क्या होता है कि केमिकल भी यूज़ करते हैं, सीबेक्स होता है, रेनीगेट है, रेनीगेट 200 है, ये काफ़ी केमिकल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो आपको अब वहाँ पे सीमेंट पेस्ट बना के उसमें Fosrox-Ibex 100 जो काफ़ी सस्ता मिल जाता है वो प्रोवाइड करोगे, उससे भी कोई लीकेज में प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी। तो उसमें करना क्या है, मतलब देखो सामने देख रहे हो बकेट है हमारी, उसमें हमने सीमेंट मतलब एक स्लरी टाइप बना के रखी है। तो स्लरी सेम हमारा कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं रहता, सीमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करना है, इसमें रेशो आप 1:2 रहती है। और उसमें क्या करना है, Fosrox-Ibex 100 केमिकल एक मतलब मिक्स कर लेना है, वो मतलब केमिकल एक एडमिक्सचर है, ग्राउंडिंग के लिए हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में जो केमिकल है हमारा वो क्या करता है, बाद में मतलब श्रिंक मतलब एक एक्सपेंड हो जाता है पाइप के मतलब इसमें सॉकेट में जाके, तो वही आपको प्रोवाइड करना है 5000 उससे। मतलब इसमें क्या रहता है कि आपको एक बार जैसे पाइप फिक्स कर ली उसमें,
तो उसमें प्रेशर आपको प्रोवाइड करते रहना है, मतलब उसको प्रेशर देते रहना है, जिससे क्या होगा आपका जो ग्राउंडिंग होगा, मिक्सचर होगा, वो पाइप में पूरी तरह फिल हो जाएगा, वो जो हमारा क्रैक होगा जहाँ से लीकेज हो रही है उसमें हमारा ये केमिकल घुस जाएगा। तो इसमें कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आगे, कि हम एक बार पाइप फिक्स हो जाए तो हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा ये मतलब हमने पाइप लगा दी जहाँ से हमारी लीकेज हो रही थी, उसके बाद हम उसको प्रेशर प्रोवाइड करते रहते हैं, तब तक थोड़ी थोड़ी देर मतलब एक एक मिनट के बाद उसको रेस्ट दे के फिर प्रोवाइड करते हैं, जितना वो केमिकल अंदर जा सके उतना अच्छा है, मतलब बाद में वो हार्डन होकर वहाँ से लीकेज रुक जाती है। उसके बाद हम जो प्रोजेक्शन निपल होती है उसको तोड़ देते हैं, यही प्रोसेस रहता है हमारा, मतलब यहाँ भी लीकेज होगी, होल करके निप्पल प्रोवाइड करके आपको वहाँ केमिकल प्रोवाइड कर देना है। और मैं बोलूँगा कि मतलब फोर्सक सीपेक सेंडर्ड ही, मतलब जो प्लास्टिसाइजर है हमारा, प्लास्टिक एक्सपेंडिंग ग्राउंड एडमिक्सचर रहेगी ये, तो यही मिक्स करके अच्छे से आप कहीं भी लीकेज रोक सकते हो। तो फ्रेंड्स आज हमारा यही टॉपिक था, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो।